मैं एकदम जप में अपने लीन रहता था गुरु जी, फोन वगैरह तो कभी छूटता ही नहीं मैं अपने जप के समय, सब किनारे रखा रहता है, दूर रख देता हूँ बंद करके उस समय कि कोई डिस्टर्ब भी न करे। तो गुरु जी आपके आशीर्वाद से ये वाला भी अनुष्ठान पूर्ण हुआ। मैं इसमें देखो मैं बताता हूँ कि जो ये एक तो अघोर मुद्रा वाला बताना चाहता हूँ कि ये अघोर मुद्रा वाला जो है ये एक तो बहुत कठिन होता है, ठीक है, हर किसी में इतनी क्षमता नहीं है, है ना। पहली बात तो शरीर में बल होना चाहिए और शरीर में बल भी जो है बाद की बात है, गुरु आदेश लेना आना चाहिए, ठीक है। गुरु अगर आदेश दे रहा है तो आप ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, आदेश लेने के बाद आप विचार करने लग रहे हैं होगा नहीं होगा कैसे होगा। यहाँ आदेश आया वहाँ आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, आपको पता है कि आप जो बोला गुरु बोलेगा वो आप कर सकते हो, है ना। अभी किसी एक लड़के से मैंने बोला, शशि है, उन्होंने आप जो कहें मैं बोलूंगा, आप जो कहें मैं करूंगा, आप जो कहें मैं करूंगा, अरे पीछे पड़ गया एकदम। मैंने कहा ठीक काम करो सब कर लोगे ना, हाँ ठीक है काम करो, कल 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट डाल देना। अब क्या हुआ, अरे मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे कहता। मैंने कहा तुम क्यों कह रहे हो फिर कि जो मैं कहूंगा वो करोगे। ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो कि कुछ चीज जो आप बोलोगे वो मैं कर लूंगा, सारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोलो फिल्टर लगा के। तो फिर मैं भी जो है बड़ा चुन चुन के दूंगा कि अच्छा चलो बगिया से फूल तोड़ के ले आओ, माला बनाओ, पहन लो पहनाओ, है ना, ऐसे छोटी छोटी चीजें बताऊंगा फिर मैं। तो साधक का अपना स्तर होता है जिसको तुमने प्रूफ करा है कि तुम्हारा बहुत अच्छा स्तर है ना। अगर मुद्रा में 2 मिनट बैठने में आदत खराब हो जाती है आदमी की, और तुमने जो है घंटों घंटों बैठ के उसमें जाप करा है और जानबूझ के मैंने कराया था और किसी को मैंने बोला ही नहीं आज तक उस तरीके से करने के लिए, है ना। एक शिष्य को बोला था जो बहुत अच्छा है, जो बहुत प्रगति कर रहा है, जो यहाँ भीड़ भाड़ में नहीं आता है शिष्यों के साथ में, वो एकांत में रहता है अपना साधना करता रहता है। उसको तो काफी सारी मुद्राओं का ज्ञान दिया मैंने और उसके माध्यम से भी बहुत सारी शक्तियों का जो है उसने प्रत्यक्षीकरण करा। तो अब जैसे तुम्हारे सामने शक्तियां आ रही है ना, बता रही है या घूम रही है छू रही है, ये सारी शक्तियां आती है साधक के पास, दिखती नहीं है इसलिए क्योंकि साधक और गुरु के बीच में इतनी दूरी बनी हुई है कि वो जो शक्तियां जो गुरु आदेश को चलती हैं, जैसे आप जो मंत्र करते हैं वो गुरु मंत्र है ना, तो आप गुरु से ही तादात्म्य नहीं बिठा पाए तो आप दूसरी जो पराई चीजें हैं उससे कैसे तादात्म्य बिठा पाओगे, किसको वेलकम कर पाओगे। जी ना, गुरु को अगर तुमने एक ऐसा चीज रखी हुई है कि पेपर वेट टाइप, कि चलो पेपर उड़ेगा तो उठा कर रख देंगे पेपर वेट, है ना, तो मेज में पड़ा रहता है, वो गिरता भी है टूटता भी है, तो अगर इस प्रकार से रखा हुआ है तो फिर तुम उसी प्रकार से यूज कर सकते हो कि चलो एक बच्चे को नजर लग गई है चलो झाड़ा कर देते हैं, जरूरत थोड़ी उठा के मंत्र झाड़ा करते हैं, खत्म हो गई बात, पन्ना उड़ा तुमने उठा के पेपर वेट रख दिया फिर साइड में रख दिया। तो ऐसे जो लोग रखते हैं गुरु को कि जब आया चुप गए, जब मन आया गाली दे दी गुरु को, जब मन आया फिर हाथ पर जोड़ लिए, इस प्रकार से जो मनोदशा वाले साधक होते हैं उस साधक कैटेगरी में आते नहीं और गुरु सानिध्य उनको प्राप्त ही नहीं हुआ आज तक अगर उनकी ऐसी स्थिति है। जी जी, है ना, सानिध्य तो बदलता है जी, और अगर तुम सानिध्य में रहते सर उठा के गुरु को ही समझाने चल रहे हो, इसका अर्थ यह है कि गुरु को तुमने आज तक गुरु समझा ही नहीं और तुम्हें पता ही नहीं गुरु होता क्या है। वो सारी फिलोसफिकल चीजें जो तुमने रटी हुई है उसी की ही मापदंड पे तुम गुरु को तौलते हो। अभी एक हमारे शिष्य थे, अपने आप को बहुत उदंडी शिष्य कहते हैं कि मैं भी आपका बहुत दूसरा उदंडी शिष्य हूँ, वो कह रहे हैं आपका गुरु जी उच्चारण बहुत गलत है, आपको कुछ नहीं पता है, मैं त्याग रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ पता नहीं क्या क्या आप क्यों नहीं बोलते हैं। अब मैं उसको एक दो बार समझाया, मैंने कहा आपकी जो तरीका है वो बोलने का है, मेरा तरीका मौन का है, और मेरे सामने अगर ढंग से कोई रहेगा साधक या मेरे ढंग से बातचीत होगी तो मैं बात करूंगा ना। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ ना, करीब 50 मिनट होने जा रहे हैं करीब, है ना, मैं कर रहा हूँ, है ना। अब कुछ लोगों को इसमें बकवास लगेगी,
जी है ना, कुछ साधकों को और अपने ही शिष्यों को बकवास लगती है, लेकिन अपने ही शिष्यों में कुछ ऐसे होते हैं जो इसी में से ही कुछ निकाल लेंगे, भले ही ये 50 मिनट बकवास हो, लेकिन उसमें एक भी चीज अगर उन्होंने निकाल के अपने भीतर परिवर्तित कर ली जी, तो ये पूरी वीडियो उनके लिए गीता से कम नहीं हुई जी गुरु जी, है ना। और कुछ साधक मेरे पास ऐसे भी हैं, जितनी वीडियो डली हुई मेरी चैनल पे या वीडियो कहीं भी ऑडियो है उसको वो 10-10 बार सुनते हैं। एक बहुत अच्छे शिष्य है कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो सवेरे गाड़ी निकालते हैं और सीधे जो है मेरा ऑडियो चला देते हैं, बोलते हैं जी जी, तो गाड़ी उनके दिन की शुरुआत ही उससे होती है, और वो कहते हैं कि बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। कुछ ऐसे साधक हैं जो वीडियो लगातार डेली सुनते हैं और हर बार जब सुनते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ नया उनसे सीखने को मिलता है और वो बदलने को मौका मिलता है जी जी, है ना। बाकी जो समाचार आ रहे हैं बेकार के, जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, फेसबुक, यूट्यूब, इसको सुन के कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है वो साधक समझते हैं, कोई ज्ञानवर्धक अगर वीडियो है ऑडियो है तो उसको सुना जाए बार बार जी जी, क्योंकि मन की स्थिति ऐसी होती है कि वो बदलना नहीं चाहता है जी, है ना। आप जानते हैं, आप मेरे साथ कब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं मेरे पास से, है ना जी जी। मैं कितने हृदय से सबको गले लगाता हूँ जी, है ना। उसमें जो है बहुत सारे ऐसे स्मार्ट आ जाते हैं कि जाने के बाद ही गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं जी गुरु जी, है ना। उमेश पटेल जैसे हो गए और भी कितने सारे आते हैं जी जी, है ना। अब उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि तंत्र में जो बीज है, जो केंद्र है, वो भगवान भैरव की उपासना है ना। और पूरे विश्व में इस प्रकार से कोई भी भगवान भैरव की उपासना के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रही जी बिल्कुल, है ना। और हम एक लौते मात्र हैं जो भगवान भैरव की उपासना में लगे हुए हैं और सबको प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान भैरव की उपासना में उतरिए, भय का हरण करिए, ताल से परे चले जाइए, मुक्त हो जाइए, शून्य हो जाइए, ध्यान के साथ साथ करा रहे हैं। और ये भी आप देखते हैं कि हर शिविर में जो है हमारी क्या स्थिति होती है, है ना, हमारा शिविर किस प्रकार से अरेंज होता है वो आप सब जानते हैं। तो उसमें इतना जानने के बावजूद भी अगर कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति गुरुद्रोह कर दे, गुरु के बारे में गलत बात फैलाए, तो यही समझा जाएगा कि उसने अभी तक गुरु को समझा ही नहीं और गुरु तत्व को नहीं समझा जी। उसको अभी अपने को समझने से फुर्सत नहीं है कि पहले मैं खुद को तो देख लूं कि कितना स्मार्ट हूं, ये बता दूं सबको पहले मैं कितना स्मार्ट हूं, उसके बाद देखा जाएगा जी जी, है ना। तो जिनकी वाणी मेरे सामने आती है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे शिष्य आते हैं जाते हैं, मेरी तरफ से हमेशा प्रेम रहता है, बात मैं बंद कर देता हूँ लेकिन भीतर प्रेम रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि मुझे पता है कितनी है, उसकी बुद्धि बस इतनी है कि वो जो मंत्र लिखा है बस ये मंत्र उच्चारण ढंग से करके बता दो तब मैं गुरु मान लूंगा, तुम जो है जितने वेद हैं कंटस्थ करके मेरे सामने उल्टी करके दिखा दो तो मैं गुरु मान लूंगा, है ना। तो ऐसे जितने भी साधक आते हैं जोड़ते हैं उनका इतना ही योगदान होता है कि बस वो पूरे दिन साथ चले उसके बाद चले गए, मन मुझे को जो है काफी कुछ बुरा बोला, भरा बुरा, पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन उसके बाद अगले दिन मैसेज कर रहे हैं, अघोरी तो बहुत उग्र होते हैं आप, तो आपको मैंने इतना बुरा बोला और उसके बाद आपको कोई रिएक्शन नहीं, आप बिल्कुल शांत। तो ये छोटी सी चीज थी कि उनको समझना चाहिए था कि अगर गुरु इतना उग्र होने के बाद, इतने उग्र देवता होने के बाद भी इतना सौम्य और शांति से है तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष बात तो होगी, वरना जरा सी कर्ण साचनी करने के बाद भी लोगों का दिमाग खराब हो जाता बिल्कुल, है ना। तो ये जो तुम्हारा जीवन था और साधना का था, शक्तियों से संबंधित जितने भी चीजें थी मैं बार बार बताता रहता हूँ अपने वीडियोस में भी, इसको हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी गुरु का जो योगदान है जी, है ना, भले ही आपको आर्थिक रूप से कोई उपलब्धि ना प्राप्त हुई हो, भले ही आपको पारलौकिक रूप से कोई किसी महान शक्ति के दर्शन न हुए हों, है ना, लेकिन जो गुरु का योगदान है वो इतना हिडन होता है, इतना गुप्त होता है कि आपकी बुद्धि कभी भी नहीं समझ पाएगी कि उस गुरु ने क्या दिया, कभी नहीं समझ पाएगी, है ना। वो तब समझ पाएगी जिस क्षण आप मौन हो गए ना भीतर, उस दिन आपको उस गुरु की एक एक बात याद आएगी, पता चलेगी कि क्यों बोला था जी, है ना। लेकिन ये बात मुख्य रूप से 99.9%
सभी गुरुओं के साथ तब साधकों को समझ में आती है जब वो गुरु शरीर त्याग के चला जाता है। जी गुरु जी, है ना। तो ये आपकी जो पीड़ा है मैं वो जानता हूँ, और इसमें आपका जो उद्देश्य है साधना में उतरने का, उसमें मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं आपको धक्का ही मारते रहूंगा, आपको बैठने नहीं दूंगा चैन से। मेरा सौभाग्य गुरु जी की आप जो है निरंतर मुझे प्रेरित करते रहते हैं और परीक्षा की कादर समझते हैं, परीक्षा लेते हैं मेरी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यदि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया सभी अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री काल भैरव।